हर भगवा पहनने वाला योगी नहीं हो सकता। तो अपने बाप के अंतिम संस्कार में नहीं गया, सत्ता के स्वाद के चक्कर में, और बिहार में रैलियां कर रहा है। एक सन्यासी हवाई जहाजों में चल रहा है, इतनी बड़ी सुरक्षा में रह रहा है, डॉक्टरों की निगरानी में खाना खा रहा है, डॉक्टरों की फौज उसके साथ चलती है, ये सब सुख है। जमीन में घोटाला, बताओ तो साधु सन्यासी जो उस पर सवाल उठा रहे, मैं ही नहीं उठा रहा। योगी जी को मठ में जाना है, पुराने अपने व्यापार में, उनका व्यापार है घंटा बजाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। अब लगातार जैसा कि हम लोग 7 महीने से देख रहे हैं, करीबन 7 महीने हो गए किसान आंदोलन को लगातार चलता हुआ। इस बीच काफी उतार चढ़ाव भी हुए, देखा गया कि कई बार किसान आंदोलन कमजोर नजर आया तो कई बार सरकार किसान आंदोलन के सामने कमजोर नजर आई। लगातार किसान और सरकार के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई, कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, बातचीत जितनी बार भी हुई असफल हुई। सरकार चाहती रही कई बार कि हम बात करने की कोशिश करी, सरकार ने कई बार उन्होंने मंत्री भेजे लेकिन बात नहीं हुई। किसानों का ये कहना था जो 3 कानून आपने रात में बनाए हैं, जिसे काला कानून भी नाम दिया गया, उसे साफ साफ रद्द किया जाए, इसके आगे या इसके नीचे कोई बात नहीं करनी थी। किसानों ने साफ 7 महीने पहले भी जो बयान दिया था वो अभी तक है कि इनसे नीचे कोई बात नहीं होगी, इसके बाद कोई बात नहीं होगी, अगर बात होगी तो ये जब कानून हटाए जाएंगे उसके बाद बात होगी। ऐसे में बंगाल चुनाव में हम सबने देखा कि किसान आंदोलन का जो असर था बंगाल चुनाव में दिखा। किसान यहाँ से बंगाल तक गए, बंगाल में जाके किसानों को समझाया, लोगों को समझाया कि क्यों इस सरकार को वोट नहीं देना चाहिए, और ऐसी कई बातें लोगों के सामने कही जो सरकार करने नाकामयाब रही। अब अगर यूपी की बात करेंगे तो यूपी में आने वाले चुनाव में लगातार पार्टियों के बीच में गर्मा गर्मी चल रही है। हर पार्टी इस समय चुनाव पे फोकस रखी हुई, चाहे बीजेपी की बात कर लें, अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ दिल्ली भी आए थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात की, उन्होंने अमित शाह से बात की, और काफ़ी देर ये बात चलने के बाद उनको यहाँ से जीत का मंत्र जो था वो दिया गया। अब किसान आंदोलन से ये कहा जा रहा है, ये बात उठ रही है कि किसान जो है वो अब यूपी में योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं टक्कर देंगे, ये लोगों से अपील कर रहे हैं। किसानों ने शुरू कर दिया ये बात कहना कि हम लोगों से अपील करेंगे कि यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी पार्टी को वोट दे दें लेकिन बीजेपी को ना। हमारे साथ इस समय हरिंदर ताऊ बने हुए, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों कह रहे हैं और बीजेपी में ऐसी क्या बात है कि योगी तक को हटाने की बात की जा रही है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, अभी बात की जाएगी अगर 3 काले कानून की, वो तो पीएम लाए थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाए थे, तो योगी की क्या दिक्कत है? योगी तो यूपी में काम कर रहे हैं। देखिए, अभी हमारा जो है गन्ने का पेमेंट, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी हो या देश का प्रधानमंत्री मोदी हो, इन्होंने मेरठ में 2017 में रैली में साफ कहा था कि आप बीजेपी को वोट दें और गन्ने का पेमेंट जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी 14 दिन में गन्ने का पेमेंट होगा, और अगर नहीं हुआ तो ब्याज देंगे। ना ब्याज मिला ना पेमेंट मिला, 20,000 करोड़ के करीब लगभग हमारा पैसा गन्ने का बकाया है, तो वो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर भाई बिजली तो सब जगह बराबर है, उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे भारत में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में शिक्षा कहाँ है? तुम लाए थे या फिर ये माना जाए कि बीजेपी से किसान खफा है? देखिए, हमारी किसी से जाति दुश्मनागी नहीं है, हमारी किसी से जाति दुश्मनागी नहीं है, हमारी लड़ाई सीधी सरकारों से है। केंद्र सरकार से हमारी 3 काले कानून, MSP पे गारंटी का कानून, इस पे लड़ाई चल रही है। तो जब वो मान नहीं रही, जिससे हमारी लड़ाई चल रही है, क्या हम उसे फूल माला डालेंगे? जब वो हमारी बात ही नहीं सुन रही, हमारे गले में फांसी का फंदा डाल दिया, हमारे ऊपर कितने एलिगेशन लगाए गए, लाठी बरसी, डंडे बरसे, पानी बरसा, आंसू गैस के गोले बरसे, 500 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो चुके हैं, क्या इनके एक मुंह से निकला है सहानुभूतिपूर्वक शब्द निकला है उन किसान परिवार के लिए? नहीं निकला ना। लेकिन अभी अगर हम इस देश के नागरिक हैं, हमने ये सरकारें चुनी हैं, और जिनको हमने चुना है वही हमारे साथ इतनी गद्दारी करेंगे तो हम क्या करें? गाजीपुर बॉर्डर यूपी में पड़ता है, तो यूपी सरकार ने अभी तक इसमें कोई रुकावट नहीं डाली, इसको हटाने की कोशिश नहीं की। केंद्र सरकार के तरफ से हुआ ये, लेकिन यूपी सरकार तो अभी भी कुछ नहीं कर रही है ना। क्या नहीं करा? 28 जनवरी याद है आपको? 28 जनवरी याद है,
दुनिया के उसमें इतिहास में लिखा जाएगा कि किसानों के नेता के साथ कितना दुर्व्यवहार करना चाह रही थी उत्तर प्रदेश सरकार, उसको भूल जाएंगे। राकेश टिकैत जी के वो आंसू अगर भारत का किसान होगा तो कभी जीवन में नहीं भूल सकता उन आंसुओं को, क्या भूलेंगे? और सरकारें हम क्यों चुनते हैं, विधायक हम क्यों चुनते हैं, सांसद हम क्यों चुनते हैं? विधायक हम इसलिए चुनते हैं कि हमारी बात विधानसभा में जाके हमारी रखे सरकार के सामने, और वो हमारी ना रखे जब वहाँ पूंजीपतियों की बात रखता है, अपने स्वार्थ की बात करता है, तो क्या करें उसका? सांसद यही काम कर रहे हैं तो क्या करेंगे इनका? तो इनका विरोध करना स्वाभाविक है। अच्छा, योगी जी ने अभी एक बयान दिया था कि मेरे पास गरीब भी आता है, अमीर भी आता है, हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, मेरे पास तो सभी आते हैं अपनी दिक्कतें लेके। तो वो कहीं ना कहीं जातिवाद से भी ऊपर उठते हुए इस बयान में दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ गरीब अमीर से भी ऊपर उठते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये भी बोलते हैं कि एक योगी ही अच्छा सीएम हो सकता है। क्यों? उन्होंने ये कहा एक योगी ही अच्छा सीएम हो सकता है, वो देश को अच्छे से चला सकता है। योगी योग करे सन्यासी, तभी तो मैं कहता हूँ हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर भगवा पहनने वाला योगी नहीं हो सकता। तो ये क्या है, कितने मुकदमे थे? और अगर ये अच्छा योगी है तो फिर संसद में क्यों रोया था? अगर ये अच्छा शासक बनना चाहता था तो संसद में क्यों रोया था तीन मुकदमे होने पर? इन्होंने संसद में रोने का ये भी वजह थी, वो कह रहे थे लोग परेशान कर रहे थे, मुझे परेशान कर रहे थे नेता लोग, उन्हें परेशान कर रहे थे, मारने की भी कोशिश की गई थी, इसलिए भी रोए थे वो। तो एक योगी तो कभी मरने से डरता नहीं है, फिर वो अपनी जनता को क्या शिक्षा देगा? और अगर इसे अपने मरने का इतना खतरा था तो उस बेटी की क्या गलती थी जिसकी बेटी की हाथरस में रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डाल के, और उसके परिवार को भी उसकी डेड बॉडी नहीं दी गई और मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल के जला दी गई? वो हिंदू नहीं थे, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं थे, बताएं ना अब। या जो गंगा में बह रहे हैं वो हिंदू नहीं थे, वो उत्तर प्रदेश के नहीं थे? क्या हिंदू धर्म में जितने आज तक मुख्यमंत्री हुए उनके कार्यकाल में क्या हिंदुओं के शमशान घाट बने कभी? अच्छा, अगर बात करें हिंदू की, आपने बात की, तो हिंदुत्व के नाम पे हमेशा योगी जी ने कहीं ना कहीं आगे बढ़ के हिस्सा लिया है। अगर अयोध्या की बात करें तो हर बार अयोध्या और बनारस में देखा जा रहा है कि इनके आने से पहले त्यौहार इतने अच्छे से नहीं मनाए जाते थे, हर बार दीपावली में अयोध्या को जगमगा देते हैं वो। अभी राम मंदिर जो काफ़ी दिनों से टला हुआ था, ये उस पर भी काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हिंदुत्व का तो ये लगातार कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आ रहे हैं। भूखे पेट ना होत भजन, वो एक कहावत है। पेट में रोटी नहीं है तुम पूजा करा रहे हो, पेट में रोटी नहीं है तुम योग करा रहे हो। अरे एक दिन योग करने से क्या स्वस्थ हो जाओगे? किसान तो हर दिन योग करता है, किसान से बड़ा योगी है ही नहीं देश में कोई। अगर हो तो मेरे सामने लेके आओ, बहस करे किसान से बड़ा योगी हो। सुबह से रात तक ना उसे रात का पता, ना दिन का पता, ना गर्मी का पता, ना सर्दी का पता, ना बरसात का पता। तो बताइए किसान से बड़ा योगी कौन होगा? ये योगी है, किसान योगी है, और जो ये भगवा पहन के योगी बनते हैं ये ढोंगी हैं। वो तो अपने आप को सबसे बड़ा योगी बताते हैं। अपने आप को कुछ भी कह लो, मैं अपने आप को देश का सबसे बड़ा ईमानदार व्यक्ति मानता हूँ, मानो जाऊं, ये तो ना मानते। वो तो भगवा ईमानदार वो होता है जिसको मेरे जाने के बाद अगर ये मेरी अच्छाई इनको पता होगी तो ये अच्छा कहेंगे, वरना मेरे जाने के बाद ये मुझे गाली देंगे तो मैं क्या ईमानदार रहा? पता तो तब चलता है, फिर देश की जनता गाली क्यों दे रही है? उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, उन्होंने सारी चीज़ें छोड़ दी, शादी भी नहीं की। तो कहीं ना कहीं घर जिसने छोड़ दिया, जिसने शादी नहीं की, पूरा परिवार छोड़ के देश के पीछे वो पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं देश के लिए हित में काम तो करेंगे ही करेंगे। क्यों? जो चोर होते हैं ना, वो भी अपने बीबी बच्चों को छोड़ के जंगलों में रहते हैं, तो क्या वो भी देश के लिए अच्छा करते हैं? जो डाकू होते हैं वो अपना घर बार छोड़ के ही तो रहते हैं, पत्नी भी छोड़ देते हैं, बच्चे भी छोड़ देते हैं, घर भी छोड़ देते हैं, तो वे तो डाकू भी तो होते हैं। उन्होंने त्याग दिया है ना सब कुछ। कौन कह रहा त्याग दिया? जी ने खुद कहा मैंने त्याग क्या त्याग दिया? उनके पिताजी का इंतकाल हुआ,
अपने पिताजी के उसमें नहीं गए हैं और बिहार चुनाव में चले गए, ये कौन सा त्याग है भाई? उस समय कोरोना वायरस चल रहा था, पीक पे था, और जब बिहार चुनाव में चले गए रैली लेने, तब नहीं था वो, तब पीक पे नहीं था। ऐसी औलाद को, ऐसी औलाद को से तो ना औलाद अच्छा है, ऐसी नालायक औलादों से तो आदमी बिना औलाद का ठीक है, कि जो अपने बाप के अंतिम संस्कार में नहीं गया सत्ता के स्वाद के चक्कर में और बिहार में रैलियां कर रहा है। क्या लगता है आपको, जो कहीं ना कहीं घर छोड़ दिया उन्होंने, अपना राज्य छोड़ दिया, यूपी में आके उन्होंने एक नई जीवन की शुरुआत की, ये जीवन जो सबके सामने एक योगी, पहले अगर चेहरा बात की जाए तो उनको अजय बिष्ट नाम से जाना जाता था, उनके जो पिता का नाम था वो भी उन्होंने बदल दिया, शायद मठ के बाद से ही उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। अब चुनाव में जो योगी की चीज़ें जैसा योगी ने 5 साल में किया, उसको लेके किसान क्या क्या करने वाला है? मठ में आने से पहले इनका नाम अजय बिष्ट था, तो मठ में तो बहुत पहले आ गए थे, फिर ये अजय बिष्ट जनता को कैसे पता चला इनका नाम, कैसे पता चला बताओ? अजय बिष्ट इनका जो घर का नाम था इनका, पहले घर का क्या रह गया, फिर तो कुछ रहना ही नहीं चाहिए, नाम वो होना चाहिए जो जनता ने दे दिया। जब इसने संन्यास ले लिया, सन्यासी का काम क्या होता है, सब कुछ त्याग दो, सन्यासी का काम होता है घर गृहस्थी सब कुछ लोभ लालच सुविधाएं जो त्याग दे उसे सन्यासी कहते हैं, और ये सन्यासी तो है ही नहीं। अच्छा, उनका तो सन्यासी सत्ता भोगी है, उनके सन्यासी का मतलब ये है कि योगी जी ने अपने बयान में कहा था कि सन्यासी का मतलब ये होता है जो लोगों के लिए अपनी जिंदगी त्याग दे, और मैं वही कर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए पूरी जिंदगी दे रहा हूँ। कहाँ दे लोगों के लिए, कहाँ दे रहे हैं? तो सीएम बनना, सीएम बनकर सेवा कर रहे, मेवा खा रहे, एक सन्यासी हवाई जहाजों में चल रहा है, इतनी बड़ी सुरक्षा में रह रहा है, डॉक्टरों की निगरानी में खाना खा रहा है, डॉक्टरों की फौज उसके साथ चलती है, ये सब सुख है। तो ये तो सीएम पद का कहीं सुख त्याग दे, जो सुख होगी को का परित्याग कर दे उसे सन्यासी कहते हैं, ये साधु नहीं स्वाधु है, स्वाधु। अच्छा, अब बात करेंगे, मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, अब बीजेपी जो है लगातार तैयारी कर रही है, अमित शाह से लेके योगी तक इस समय चुनाव में भिड़े हुए हैं, लगातार एक दूसरे से बात कर रहे हैं, चुनाव में किसान की रणनीति क्या होगी? बंगाल में तो देखने को मिल गया, अब यहाँ यूपी में क्या होगा? देखिए, राजनीतिक पार्टियों का काम है चुनाव लड़ना, और आम जनता का काम है वोट देना, तो किसान वोट देगा? किसान लोगों को कैसे समझाएगा क्या बात होगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा था, वो उत्तर प्रदेश में ही था, अब वो बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो कैसे लोगों को बताएगा किसान कि क्या मुद्दे हैं, क्यों बीजेपी खराब किया? क्योंकि बीजेपी मुझे लगता है कि इस बार राम मंदिर के नाम पे वोट मांगेगी। हिम्मत नहीं राम मंदिर के नाम पे वोट मांग ले, वो जनता बैठी नहीं जिन्होंने चंदा दिया, जिनके चंदे की लूट चल रही राम मंदिर में, वो तो बैठे तैयार पूछने के, किसान बैठा सारा पूछ रहा है ना, भेज गांव में को वोट मांगने जावे तो सही, किसान बैठा गन्ने का पेमेंट क्यों नहीं, बिजली का बिल महंगा क्यों है, अच्छा ये जो रोगी दवाई क्यों नहीं मिली, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिली, हमारे बच्चों की पढ़ाई क्यों मार दी, चुनाव क्यों रोक के क्यों नहीं रोक पाए, सब चीज पूछेगा, पूरा ऐसे चिट्ठी की तरह पूरा बना रखा बायोडाटा हर किसान ने। राम मंदिर का तो ये था, अभी योगी जी ने बयान दिया था, मैं इसको खुद देखूंगा और जो भी घोटाला हुआ उसको मैं खुद बाहर लाऊंगा, वो तो कह रहे हैं कि कहीं गलती हुई तो मैं उसको सही करूंगा। अरे घोटाला तो हो लिया, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, जमीन में घोटाला, वो तो साधु सन्यासी जो उस पर सवाल उठा रहे, मैं ही नहीं उठा रहा, कभी सोच रहे हो, वे तो जो साधु है वे भी उठा रहे, साधु ने कहा है 135 खसरा नंबर की जमीन वो दान दे चुका मंदिर ट्रस्ट को, और वहाँ के अयोध्या के मेयर के भतीजे ने वही जमीन फिर 1.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी, तो ऐसी लूट, वो अलग है 18 करोड़ वाली, वो दान वाली है, वो 2 करोड़ वाली 18 में बिकी है, ये 2.5 करोड़ की फ्री की जमीन जो है 2.5 करोड़ में बेच दी, और अभी तो ये तो एक वो टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, कितना कहां कहां लूटेंगे। अच्छा, लूटने से मुझे एक दिमाग में क्वेश्चन आया कि राम नाम पे वोट मांगा गया, अब राम नाम पे लूट हो रही है, तो क्या राम का नाम किस तरीके से बीजेपी इस्तेमाल करी, मैं आपके नजरों में देखिए, मैं तो एक चीज कहता हूँ, भगवान राम सबके हैं,
मेरे नहीं है, हाँ। अकेले के इनके नहीं है, आपके नहीं है, इनके नहीं है। प्रभु राम तो 100 पूरे भारतवासियों के, क्या विदेशों के भी हैं, मानव जाति के हैं। इन्होंने भगवान राम को नहीं बख्शा, उसका मकान बनाने में, उसका महल बनाने में, उसका मंदिर बनाने में जो चंदा देश की जनता ने 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 1,000,000 जो जो जिसकी श्रद्धा थी वो दिया, ये उसमें भी लूट मचा रहे हैं। तो जो भगवान को नहीं बख्श सकते तो इस आम जनता को क्या बख्शेंगे, ये संदेश देश की जनता को जाएगा। आखिरी में मैं आपसे जानना चाहूंगा, यूपी में इस बार क्या देखने को मिलेगा? धकेला, धकेला देखने को। देखिए, योगी जी को मठ में जाना है, पुराने अपने व्यापार में, उनका व्यापार है घंटा बजाना, लोगों के तिलक लगाना, आरती कराना। तो मार्च 2022 में बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, पक्का है। ये किसान वादा कर चुके हैं, घर घर जाएंगे हम लोग सब, हमारे जो नेता हैं वो बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, छोटे किसान जो हैं वो गांव गांव घर घर घूमेंगे, सबको समझाएंगे। और आप लोगों के पास पैसे नहीं है, उनके पास काफ़ी पैसे हैं, तो हमें पैसों की क्या करना है? क्योंकि चुनाव में भाई मैं अपने गांव में कहूंगा, ये अपने गांव में कहेंगे, ये अपने गांव में कहेंगे, किसान तो पूरे उत्तर प्रदेश में है, सब अपने गांव में कहेंगे, अपने गांव में समझा लेंगे, हमें जाने का पैसे की क्या जरूरत है हमें। इससे आपको लगता है फर्क पड़ेगा? बंगाल में क्या हुआ, किसान गए थे, खेला हुआ तो कर दिया, तो यहाँ धकेला हो जाएगा। धकेला आपको लगता है कि होगा इस बार? 100% होगा, जनता इतनी नाराज है, महंगाई तुझे नहीं लगता कि 100 रुपए लीटर, जो 55 रुपए लीटर तू पेट्रोल खरीद रहा था आज तू 100 रुपए लीटर खरीद रहा है, तो कैसे करेगा? क्या तेरे परिवार में नहीं है कि 225 रुपए लीटर तुझे सरसों का तेल खरीदना पड़ रहा है? क्या तुझे नहीं पता कि जो तुझे 350 रुपए का सिलेंडर मिलता था आज 900, 950 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है? ये महंगाई कौन रोकेगा बताइए? तो ये जनता ही तो लेगी इसका बदला। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल आपने सुना जिस तरीके से हरिंदर ताऊ ने बताया कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, राम मंदिर के मुद्दे पे लगातार जो सरकार थी उसने पैसे खाए, ऐसे कई मुद्दे थे, पेट्रोल हाइक की बात कर ले, चाहे सरसों के तेल की बात कर ले, आम आदमी आज पिसता हुआ दिखाई दे रहा है, और यूपी की बात कर ले तो सरकार जो पहली सरकारें थी उन्होंने कहीं ना कहीं बेहतर काम किया था, अब की सरकार का जो काम है वो देखने को नहीं मिला, ऐसा जनता भी कह रही है, किसान आंदोलन में भी ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल जनता ही जनार्दन है, जनता ही तय करेगी कि आने वाली सरकार कौन होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी से ज्यादा शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।